हेलो मॉमीज एंड डैडीज, कैसे हैं आप? आई होप आप सब अच्छे होंगी। मॉमीज, आज मैं आपसे बात करने आई हूँ। जी हाँ, हमें बहुत सारी मेल्स, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं कि मैम प्लीज़ ये बताइए कि डिलीवरी के बाद, चाहे सिजेरियन हो या नॉर्मल डिलीवरी हो, पीरियड्स हमारे वापस कब आएंगे, कंटिन्यू कब होंगे, मतलब हम एक तरह से नॉर्मल पीरियड्स, हम रूटीन पीरियड्स कब से हमारे शुरू होंगे। तो मॉमीज, आज का वीडियो आपके लिए है और आपको ये वीडियो ध्यान से सुनना है और कोई घबराने की बात नहीं है। कभी कभार लेट भी हो जाते हैं, कोई घबराने की बात नहीं है। इस वीडियो में आपको अपने सारे क्वेश्चंस का जवाब मिल जाएगा। बस आपको करना ये है, एनबीटी लाइफ को सब्सक्राइब करना है। मॉमीज देखिए, जब हमारे डिलीवरी होती है उसके बाद काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होती है। करीबन ये ब्लीडिंग 45 डेज तक होती है, किसी को 50 डेज भी हो जाता है, किसी को कम होता है, मतलब एक महीने से लेके 45 डेज तक ये डिलीवरी के बाद जब हमारा बेबी होता है उसके बाद ये ब्लीडिंग कंटिन्यू रहती है। अब बात ये आती है कि कुछ लोग ये समझते हैं कि यही हमारे पीरियड्स हैं, अब अगले महीने फिर शुरू हो, मतलब अगले महीने फिर से रेगुलर हो जाएंगे। लेकिन मम्मी, ये पीरियड्स नहीं होते। दरअसल ये जो ब्लीडिंग होती है, जो हमारे बेबी को हमारा ब्लड, मतलब एक तरह से मैं अगर आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल भाषा में समझाऊं, ये जो ब्लड निकलता है ये वो ब्लड होता है, यूट्रस के थ्रू हमारा ये जो ब्लड निकल रहा है, इससे जो हमारा बेबी है वो, उसको न्यूट्रिशन, उसको सब कुछ मिला है, मतलब डेवलप करने में इस ब्लड ने काफ़ी ज़्यादा अहम भूमिका निभाई है आपके बेबी को ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अब जब बेबी डिलीवर हो गया है तो अब ये ब्लड यूट्रस के थ्रू निकल रहा है। तो अब ये 40-45 डेज या एक महीने से 45 डेज तक हो सकता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये ब्लीडिंग जो होती है, फर्स्ट 10 डेज बहुत ज़्यादा होती है, उसके बाद ग्रेजुअली कम होती रहती है और बहुत ही ज़्यादा फिर कम होके स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। लेकिन ये पीरियड्स नहीं होते। अब पीरियड्स आने का समय देखिए, कहा ऐसा जाता है कि बेबी जब डिलीवर हो गया उसके 6 हफ्ते से 1 साल के बीच में कभी भी पीरियड्स हो सकते हैं। इसमें कोई भी घबराने की बात नहीं है, ये बहुत ही नॉर्मल सिचुएशन है। देखिए मॉमीज, अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं, देखिए मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, मेरी नॉर्मल डिलीवरी हुई है नवंबर में। जो मुझे ब्लीडिंग कंटिन्यू हुई है वो मुझे हुई है करीब 27 नवंबर को मेरी बेटी ने जन्म लिया और जनवरी 14-15 तक मुझे ब्लीडिंग हुई। इसके बाद फेब्रवरी, मुझे आज तक याद है, फेब्रवरी 19 तारीख को मेरा फर्स्ट पीरियड आ गया था डिलीवरी के बाद। तो मॉमीज, नॉर्मल है, किसी को जल्दी आ जाता है, किसी को एक साल के मतलब अंदर अंदर आ जाता है। लेकिन मॉमीज, अगर आपको एक साल ऊपर हो गया है और आपकी ब्लीडिंग नहीं हुई है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। हो सकता है कुछ हार्मोन इम्बैलेंस हो या कुछ ना कुछ तो ऑब्वियसली प्रॉब्लम है आपकी बॉडी में, तभी पीरियड्स लेट हो रहे हैं। तो मॉमीज, आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, अगर आपको एक साल के अंदर अंदर पीरियड्स नहीं आया तो नॉर्मल है, अगर एक साल के बाद भी नहीं आया है तो आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। मॉमीज, मैं फिर दोबारा आपको इस चीज़ पे स्ट्रेस दे रही हूँ, कोई ना कोई हो सकता है गड़बड़ हो, हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो या हमारे कुछ ना कुछ मतलब कोई ना कोई इशू हो सकता है। इसीलिए आपको एक साल तक वेट करना है। एक साल तक अगर आ गया ठीक है, कॉन्टिन्यू मतलब वो तो फिर नॉर्मल है, अगर नहीं आया तो एक बार आप डॉक्टर से मिल लीजिए। तो मॉमीज, मैंने आज आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मतलब एक कन्फ्यूजन रहती है, मुझे भी कन्फ्यूजन रही थी, लेकिन मुझे मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि देखिए एक साल तक का टाइम है आपके पास, आपको अगर इस दौरान पीरियड्स आ जाता है ठीक है, एक साल तक वेट कीजिए, अगर नहीं आता तो आप एक साल के बाद हमें एक बार ज़रूर बताइए। लेकिन इस बीच में कोई आपको ऐसा गड़बड़ लगता है, कुछ मतलब ऊपर नीचे लगता है, तो आपको एक बार डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। तो मम्मीज, आज के वीडियो में हमने आपको बताया कि आपको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है अगर एक साल तक पीरियड्स नहीं आते डिलीवरी के बाद, एक साल के बाद आपको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत है। फिलहाल आज के वीडियो में इतना ही।